हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब से आपका सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का यहां पे एक अखबार के माध्यम से नोटिस आया है, तब से लेकर अभी तक सभी छात्र जो है, खासकर जो आईटीआई पास हैं या फिर वो आईटीआई कर रहे हैं, या फिर वैसे छात्र जो सीसीए वाले हैं, जो रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, उनका यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा। और अभी तक जितने भी वीडियो यहाँ पे आप लोगों ने देखा है, कोई भी यहाँ पे आईटीआई और आपका अप्रेंटिस के ऊपर अभी तक कोई भी इस टॉपिक पे बात नहीं किया है। तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहला आपका डाउट ये आ रहा कि क्या रेलवे भर्ती में सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लागू कर दिया गया है या फिर नहीं। दूसरा डाउट आपको ये देखने को मिल रहा कि क्या आईटीआई और अप्रेंटिस छात्रों को भी आप सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा क्या। ग्रुप डी का जब एग्जाम आएगा तो उसके लिए भी हमें सीईटी देकर क्वालिफाई करेंगे तो ही हम ग्रुप डी का फॉर्म भर पाएंगे। और इसके साथ साथ कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है जिनका यहाँ पे सवाल आ रहा कि क्या जो रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट को यहाँ पे ग्रुप डी में 20% का कोटा मिलता था, क्या वो अब मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर हम सीईटी का एग्जाम निकालेंगे तो ही मिलेगा। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, आपकी सारा जो डाउट है आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं कि सीईटी है क्या, सीईटी कब से लागू होगा, रेलवे के किन किन पोस्ट पर लागू होगा, आईटीआई और अप्रेंटिसशिप वालों को भी एग्जाम के माध्यम से अब आपका सिलेक्शन हो पाएगा, या फिर जो 20% कोटा मिलता था एज इट इज है या फिर उसमें भी छेड़छाड़ किया गया, सारी जानकारी देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक है, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहां पर भी आपको हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको कंटिन्यू वहां पर दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये जो अखबार में खबर आया उसको पूरा कवर कर लेते हैं, उसके बाद सारी जानकारी को आपको बताया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, वीडियो में इन तक बने रहिए। सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा कि अगले साल से ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो आपका रेलवे में ग्रुप डी का पोस्ट आता था उसे अब यहाँ पे मर्ज करके ग्रुप सी में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो वो अब आपका ग्रुप सी अर्थात Level 1 पोस्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली बात किया जा रहा ग्रुप बी पोस्ट और यहाँ पे ग्रुप सी पोस्ट के लिए। ठीक है, आगे देखिए आपको यहां पे क्या बोला जा रहा कि पॉजिटिव पहलू। चलिए आगे बढ़िए, यहां पे आपको बताया जा रहा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे आपका सीईटी नाम से जाना जाता है, से भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगा। अब देखिए यहाँ पे आपका ये भी क्लियर कट अभी कोई जानकारी नहीं दिया गया है कि पर्टिकुलर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा, जैसे आप सभी को पता है कि जो सिंपल सिंपल यहाँ पे बात करेंगे कोर्स के हो गया, जैसे आपका 10th पास पे जो भर्ती आता है, आईटीआई पास पे जो भर्ती आता है, ठीक है, यहाँ पे 12th पास पे जो भर्ती आता है, या फिर आपका ग्रेजुएट लेवल पर जो भर्ती आता है, तो ग्रेजुएट लेवल पर जो आपका सीईटी लागू होगा वो वहाँ तक तो फंडा समझ में आता है, 12th बेस पर जो लागू होगा वो भी समझ में आ रहा, और 10th बेस पर जो लागू होगा सीईटी आपका वो भी समझ में आ रहा। पर जो आईटीआई, सीसीए, डिप्लोमा, बीटेक, इन सभी का क्या प्रावधान किया गया है, इसके रिगार्डिंग अभी यहां पे कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए आपको क्या बताया गया है। शुरुआती मई जून में स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी हो सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सीईटी सबसे पहले आपका लागू करने का बात चला था दिसंबर 2020 में ही, इसका आपका आने का जो प्रक्रिया है उसे शुरू किया गया था, और इसे बोला गया था कि आपका 2021 में फर्स्ट यहाँ पे जो सीईटी का एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें सबसे पहले ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये फाइनली 2021 में नहीं हुआ, अब 2021 से छोड़िए, 22 को छोड़िए, यहाँ पे 2023 आ गया और कुछ महीने 2023 में भी बचे हुए हैं, और अभी भी यहाँ पे डिपार्टमेंट का कहना है कि सीईटी अगले साल से शुरू हो सकता है, मतलब इसका प्रक्रिया अभी तक पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए बेसिकली अगर बात करेंगे तो जो ऑल ओवर इंडिया में जो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपका आता है वो आपका आता है रेलवे की तरफ से, एसएससी की तरफ से और बैंकिंग का तरफ से। आप अगर तीनों का आप सिलेबस के बारे में देखो तो तीनों का सिलेबस में आसमान जमीन का अंतर आपको देखने को मिलेगा। कैसे, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं।
रेलवे का जो सिलेबस होता है उसमें आपको इंग्लिश से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है और ना ही हिंदी का इसमें कोई भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करते हैं एसएससी का, तो इसमें क्या होता है कि इंग्लिश भी रहता है और हिंदी भी रहता है। जैसे एसएससी जीडी वगैरह जो भर्ती आता है उसमें आपको हिंदी भी देखने को मिलता है, इंग्लिश भी देखने को मिलता है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में बात करें तो इंग्लिश आपको हाई लेवल का, मैथमेटिक्स रीजनिंग हाई लेवल का क्वेश्चन आपको बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिलता है। यहां तक कि जो बात करें टेक्निकल पोस्ट में, जैसे आपका सीसीए का हो गया जो आपको 20% का एज रिलैक्सेशन मिलता है, आईटीआई का जो हो गया, उसके बाद आपका डिप्लोमा का जो भर्ती हो गया, बीटेक का जो भर्ती हो गया, ये आपका टेक्निकल डिग्री से रिलेटेड कोर्स है, तो इसके रिगार्डिंग क्या प्रावधान है, क्या उनको भी सीईटी देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा, या फर्स्ट सीईटी पास करने के बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम के तहत इनका टेक्निकल क्लियर कराया जाएगा, इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई भी क्लियरिफिकेशन सीईटी इंस्ट्रक्शन में अभी तक यहां पर शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। आगे देखिए टोटल यहां पे बात करें तो मई जून में इनको कंडक्ट कराने की बात चल रहा, और वो अभी बात चल रहा कि स्नातक स्तर पे यहां पे होगा। तो सबसे पहले जो भी 10th पास कैंडिडेट है या फिर जो आईटीआई पास कैंडिडेट है या फिर जो सीसीए वाले कैंडिडेट है, तो अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि इस बार आपको सीईटी एग्जाम देना पड़ेगा, ये आपके लिए यहां पे संभव इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगले साल आपका होने वाला है इलेक्शन, और इलेक्शन के दौरान ही यहां पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोल लीजिए या फिर आपका आरआरसी बोलिए, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, यहां पे लाखों भर्तियां रिलीज करने वाली है, जिसमें से सबसे ज्यादा आपका ग्रुप डी अर्थात लेवल 1 का पोस्ट रहेगा, उसके बाद आपका एएलपी टेक्नीशियन का भी भर्ती आने वाला है और आरपीएफ जेई वगैरह का भी भर्ती आने वाला है। तो अगर सोचिए सीईटी अगर यहां पे लागू हो जाएगा तो सीईटी में पहले तो सबसे पहले करोड़ों लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका एग्जाम में समय लगेगा, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, तो लगभग लगभग ये जो प्रोसेस है ना, एक साल का प्रोसेस हो जाएगा, और रेलवे के पास उतना समय नहीं है, क्योंकि इलेक्शन के मद्देनजर रेलवे को यहाँ पे काम करना है और उनको किसी भी कीमत पे बम्पर भर्ती यहाँ पे निकालना है, जो 3 लाख के आसपास टोटल यहाँ पे रिक्रूटमेंट टोटल वैकेंसी पोस्ट है, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आईटीआई और यहाँ पे सीसीए वाले कैंडिडेट अपना जो भी परेशानी है उसको साइड में रख दीजिए, आपको अभी सीटी देने का कोई भी जरूरत नहीं है। अब आएंगे कुछ आईटीआई डिप्लोमा बीटेक वाले कैंडिडेट, वो बोलेंगे कि अगर हम एलपी का फॉर्म भरते हैं तो क्या हमारे लिए सीटी एलिजिबल होगा, अभी एलिजिबल नहीं होगा, मतलब आने वाली भर्ती के लिए आपको जो रेलवे का भर्ती है उसमें आपको कोई भी सीटी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भर्ती आपका कभी भी जारी हो सकता है, हो सके 23 के लास्ट में हो जाए, 24 के शुरुआती महीने में ही हो जाए, पर सीटी का जो प्रोसेस है वो बहुत ही लंबा चलेगा। अभी इसके रिगार्डिंग ना सिलेबस वगैरह का डिस्कस हुआ है, कौन टेक्निकल का किस तरह करके उसका सिलेक्शन किया जाएगा ये डिसाइड हुआ है, तो इसीलिए अभी आप आराम से रहिए, ठीक है। चलिए बाकी आगे जानकारी देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल बोला जा रहा है कि ये परीक्षाएं देश के 117 जिले में 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र में होगी, ठीक है। इसमें सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे, बिल्कुल सही। सीईटी स्कोर के आधार पर केंद्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र में भर्तियां कर सकेंगे। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा सीईटी का यहाँ पे बेनिफिट आपको कहां कहां पे देखने को मिलेगा। एक बात याद रखिए कि सीईटी, आप सीईटी में जितना भी स्कोर करिएगा, मान लीजिए आप 100 में यहां पे स्कोर किए 80, तो एक बात का याद रखिएगा कि सीईटी एग्जाम के बेस पे आपका यहाँ पे नौकरी लगने वाला नहीं है। ये सीईटी बस एक जरिया है, एक रास्ता है, एक माध्यम है, किस चीज के लिए, आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ऐसा कतई मत समझिएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इसके रिगार्डिंग भी पूछ रहे थे कि सर क्या सीईटी में मेरा जितना भी स्कोर आएगा उसके आधार पर मेरा जॉब लग जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और सीईटी के से क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर की कुछ कंपनियां वहां पर भी सीईटी स्कोर के आधार पर आपको भर्ती कराया जा सकता है उनका डिपार्टमेंटल एग्जाम लेकर। और दूसरे नंबर पे बात करें तो जो स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियां होती है, जैसे पुलिस की हो गई, एसएससी की हो गई और आपका स्टेट पुलिस की हो गई, ठीक है, जो स्टेट लेवल पे जो भर्तियां आती है उसमें भी आपको सीईटी को वैलिड दिया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग जब तक डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कुछ भी बता पाना यहाँ पे संभव नहीं है, पर यहाँ पे क्लियर कट सारा कुछ मेंशन किया जा रहा कि स्कोर के आधार पर आपको राज्य सरकार में, सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र में भी, मतलब प्राइवेट जो पीपी मोड पे कंपनियां काम करती हैं उसमें भी आपको अच्छा खासा मौका देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बात करते हैं, ये परीक्षाएं अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जैसे अलग अलग एजेंसियों के जरिए होती है। अभी क्या होता है कि जो भी भर्ती आता है, चाहे आपका रेलवे आरआरबी का हो गया, एसएससी का हो गया या फिर आपका बैंकिंग का कोई भी हो गया, तो जैसे रेलवे का आता है तो रेलवे अपना अलग एग्जाम कंडक्ट कराता है, सेम उसी तरह एसएससी और बैंक में सभी आप डिपार्टमेंट अलग अलग अपने स्तर से जो सारा प्रोसेस है उसे कंडक्ट कराते हैं। पर जब आपका सीईटी लागू हो जाएगा तो एक ही कॉमन टेस्ट हो जाएगा सभी के लिए, पर यहाँ पे जो सिलेबस
मार्क्स और एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया का डिसाइड करना ही बहुत बड़ी बात है। और सोचिए सीटी आपका 2020 में आया, दिसंबर 2020 में, 2020 से 2023 हो गया, पर अभी तक कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन अभी यहाँ पे पूरा फुलफिल बैठ नहीं पा रहा सटीक तरीके से, जिसके कारण अभी तक ये जो इतना लॉन्ग पेंडिंग टाइम तक यहाँ पे होल्ड करके रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए आपको इसमें क्या जानकारी दी गई है। एनआरए के सूत्रों के मुताबिक सीईटी के सिलेबस, एग्जाम स्कीम, फीस नॉर्मलाइजेशन के बारे में विशेषज्ञ परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। और उसके बाद आपको बोला जा रहा कि एनआईसी की ओर से, आगे देखिए आपको क्या बोला जा रहा, एनआरए की परीक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षण का काम भी अंतिम चरण में है। एनआरए ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्थान और सेवा चयन आयोग से इस संबंध में चर्चा भी शुरू कर दी है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि रेलवे में क्या होता है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट का पोस्ट होता है, जैसे जो कैंडिडेट यहाँ पे आईटीआई किए हैं और जो खासकर सीसीए वाले यहाँ पे चिंतित हैं कि हमारा क्या होगा, सीसीए का भी कोटा 20% है इसमें। उसके बाद जो डिप्लोमा होल्डर होंगे, डिप्लोमा का भी, जैसे आपका एलपी टेक्नीशियन का फॉर्म आता है वो सभी डिप्लोमा होल्डर के लिए रहता है, बीटेक होल्डर के लिए रहता है, जिसमें जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इन तमाम तरह का जो टेक्निकल पोस्ट होता है उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया जो है उसके रिगार्डिंग अभी क्या हो रहा कि सीटी के एग्जाम के लिए अभी डिपार्टमेंट से बात हो रहा, रेलवे के है तो रेलवे के डिपार्टमेंट से, एसएससी में जो टेक्निकल पोस्ट आती है उन टेक्निकल पोस्ट को कैसे करके कवर किया जाए, उसका क्या डिसाइड किया जाए, उसके रिगार्डिंग में प्रॉपर बात चल रही है, पर अभी यहां तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। आगे देखिए आपको क्या कहना है। तो एनआरए ने, रेलवे बोर्ड, ये सारा कवर हो गया। पिछले महीने सांसद की अस्थाई समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया था कि सीईटी के आयोजन की उनकी तैयारियां अंतिम चरण में है। ठीक है, लेकिन तीनों स्तर, दसवीं, बारहवीं और स्नातक पर एक साथ सीटी आयोजित करने में उसे पहली बार में आवेदकों की बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा। बिल्कुल सही बात है, जब फर्स्ट बार आपका सीटी एग्जाम होगा तो इसमें क्या होगा, जो ग्रेजुएट वाले होंगे वो 10th लेवल से अप्लाई करेंगे, 12th लेवल से अप्लाई करेंगे, जो 12th वाले होंगे वो 10th और 12th दोनों से अप्लाई करेंगे, और जो 10th पास होंगे वो अपना सिर्फ 10वीं पास के आधार पर अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे करोड़ों फॉर्म जो है गिरने वाले हैं। उसके बाद, इसके बाद समिति ने ग्रेजुएट लेवल की सीईटी की शुरुआत करने की सिफारिश की है। यहां पे देखिए आपको क्लियर मेंशन किया जा रहा है, थोड़ा सा आईटीआई और सीसीए वाले कैंडिडेट यहां पे ध्यान दीजिएगा कि कमिटी की तरफ से यहां पे क्या बोला जा रहा कि ग्रेजुएट लेवल की सीटी से शुरुआत करने की सिफारिश किया जा रहा है। तो मतलब पहले आपको यह बोला जा रहा है एनआरए की तरफ से कि सबसे पहले हम आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे वो आपका ग्रेजुएट लेवल पे करा के देखते हैं, और जब हमारा सारा सिस्टम कुछ सही रहा, ठीक है, जितने भी एप्लीकेंट फॉर्म फिल किए हैं सारा का एग्जाम सही हो जाता है, तो उसके बाद धीरे धीरे करके हम 12th और 10th बेस पे भी यहां पे एलिजिबल करेंगे। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक का यहां पे कहीं पे भी जिक्र आपको देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए आगे देखिए, कमिटी ने जब तक एनआरई सीईटी शुरू नहीं कर पा रहा है तब तक रेलवे भर्ती बोर्ड से परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की है। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहा कि एनआरए का कहना है कि जब तक ये पूरा व्यवस्था सही से सेटल नहीं हो जाता है तब तक क्या करिए कि आप अपने अपने जितना भी वैकेंसी है उसे वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए आप अपना ही बोर्ड द्वारा यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराइए, और जो यहाँ पे सीटी होता है एग्जामिनेशन सीटी उसे भी बढ़ाने की कोशिश करिए ताकि सभी छात्रों को अपने सिटी के 100-200 किलोमीटर में एग्जाम सेंटर मिल जाए। ठीक है, ताकि आवेदकों को 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र मिल जाए। बैंकिंग भर्ती एजेंसी से भी कहा जा रहा कि वो एक बार में अपनी 1.25 लाख भर्ती परीक्षार्थी क्षमता में बढ़ोतरी करें। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पे क्या बोला जा रहा देख लीजिए, लास्ट पैरा में, एनआरए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सभी अलग अलग एजेंसी के 50 से अधिक परीक्षा आयोजित कराती है, नोटिफिकेशन से लेकर चयन प्रक्रिया में 12 से 18 महीने लग जाते हैं। कितना, 12 से 18 महीने, पर रेलवे तो यहां सारा रिकॉर्ड तोड़ देती है, आया भर्ती 2019 में और अभी तक इसका प्रोसेस चल रहा, कहीं का ज्वाइनिंग चल रहा, कहीं का डीवी चल रहा, कहीं का सेकंड डीवी, कहीं का मेडिकल चल रहा, तो इस तरह करके अभी 2019 का भर्ती 2023 तक भी फाइनल नहीं हो पाया। मतलब सबसे सुस्त प्रोसेस जो है वो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ही अभी तक देखने को आ रहा है। उसके देखिए, उदाहरण के लिए बीते 5 वर्ष में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 7 नोटिस के जरिए सी ग्रुप के 283,747 पदों की रिक्तियों के लिए परीक्षाएं कराई, जिसमें 143,034 पदों के भर्ती हुई, जबकि 140,713 पदों के लिए प्रक्रिया अलग अलग चरणों में है। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने दिसंबर 2022 में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की थी। अब सोचिए स्थापना आपका कब हुआ एनआरए का, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का, तो आपका दिसंबर में ही हो गया था 2020 में, पर अभी तक यहाँ पे ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग पूरा यहाँ पे जो सेटल हो पाया है, और ना ही बात करें तो सिलेबस का। ठीक है, तो अभी देखिए ये एक बहुत बड़ा गंभीर अभी का समय में मुद्दा बन चुका है कि आखिर कैसे करके ये लोग कवर करेंगे कि जो आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं और जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं, जो बीटेक वाले कैंडिडेट हैं, उन सभी को तो देख के चलना
पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे सिस्टम को अरेंज करने में, इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा। और यही मेन कारण है कि इतना टाइम तक NRA अभी तक पूरा व्यवस्था नहीं कर पाया। अब बात करते हैं कि जो रेलवे के कैंडिडेट हैं, जो ITI कैंडिडेट हैं, जो अप्रेंटिस कर रहे हैं या फिर जो अप्रेंटिस कर चुके हैं उनको क्या करना है, या फिर जो रेलवे ITI वाले कैंडिडेट जो रेलवे LP टेक्नीशियन का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका जूनियर इंजीनियर का कर रहे हैं, RPF का कर रहे हैं, उनका क्या कहना है। तो सिंपल सुन लीजिए, जो अभी आने वाला भर्ती है उसमें आपको फोकस करना है, अपने प्रिपरेशन को ध्यान देना है, प्रिपरेशन पे कंटिन्यू काम करना है। इस बार आपको CET कहीं भी किसी भी रूप से संभावना नहीं बन रहा कि इस बार CET आपका कंडक्ट हो पाएगा, क्योंकि सरकार पे ऑलरेडी ऐसे प्रेशर है, रेलवे बोर्ड पे भी ऐसे प्रेशर है, क्योंकि अगले साल इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन में कोई भी डिपार्टमेंट ये नहीं चाहेगा कि उसका काम गड़बड़ हो। और अगर CET इसमें एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो ऑलरेडी CET का यहाँ पे होने में सारा कुछ कम से कम 6 से 8 महीने का समय एक्स्ट्रा लग जाएगा और 6 से 8 महीने में तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे रेलवे के जितने भी कैंडिडेट और जो CCA वाले कैंडिडेट है, जो ITI वाले कैंडिडेट, अपने प्रिपरेशन कर लीजिए इतना ताकि इस बार आपको कोई भी आपका सिलेक्शन में रोक ना पाए। बाकी आपको CET देने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि LP वालों को भी CET देने की अभी जरूरत नहीं है। जब इसका पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा और सबसे पहले आपको लागू जो किया जाएगा वो आपको ग्रेजुएट वालों पे किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ग्रेजुएट वालों पे किया जाएगा, तो ग्रेजुएट लेवल पे जो रेलवे में भर्ती निकलती है वो आपको NTPC के है, तो NTPC की भर्ती अभी हो सके ऐसा माना जा रहा है कि अभी NTPC की भर्ती को होल्ड किया गया, NTPC की भर्ती अभी आगामी कुछ सालों तक देखने में नहीं मिल सकती है, ठीक है। बाकी अगर ऐसा कोई अपडेट होगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी इसके ऊपर आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि जितने भी CCA वाले चिंतित है फाइनली उनका टेंशन यहां पे दूर हो जाए। चलिए आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।